वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति के तत्वावधान में 12 फरवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 वाल्मीकि वाटिका प्रेरणा स्थल गोमती तट बीरबल सहायनी मार्ग निकट हनुमान सेतु पर वाल्मीकि मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य समाज को एक दूसरे से जोड़कर रखने, छिपी हुई प्रतिभा को निखारने व उनको उच्च मंच तक लाने के लिए एक पहल की गई है। बिना कोई भेदभाव मंच में भाग लेने के लिए ये मेला आपको सादर आमंत्रित करता है। मेले का उद्घाटन पूर्व लखनऊ महापौर एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा द्वारा किया गया। यह मेला वाल्मीकि समाज के हितों एवं रक्षार्थ को देखते हुए पहली बार कराया जा रहा है। मेले में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन एवं नृत्य, कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये एक सुखद आश्चर्य है, आज ये सुखद आश्चर्य क्योंकि वाल्मीकि समाज के द्वारा अपने बल पर ये 10-11 दिन का जो दिवसीय कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। और ये ऐतिहासिक प्रांगण, मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैं था तो उस दौरान ये इनको आवंटित था। ये हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, अब की इतना विशाल रूप में कार्यक्रम करेंगे इसकी संभावना कम थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने अन्य महोत्सव के तरीके से अपने महोत्सव को प्रारंभ किया है। और ये आप देखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। द्वारा ये जो आपका महोत्सव 10 दिवसीय शुरू हो चुका है, आज क्या कहना चाहेंगे, कैसे है पूरी तैयारियां? आपके माध्यम से मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ और पूरे वाल्मीकि समाज के जो हमारे लोग आए आज उद्घाटन में, मैं आप सबको बधाई देता हूं आपके माध्यम से। आज आपने देखा होगा वाल्मीकि महोत्सव मेला में कितना उत्साह है वाल्मीकि समाज में, और मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि इस मेले में आए। और वाल्मीकि समाज ने पहली बार आप सबके लिए जो है एक मेले का आयोजन किया है, आए और देखें कि इसमें हम लोगों ने क्या भागीदारी निभाई है। आए मिलकर इसमें हम लोग खुशियाँ मनाएं और वाल्मीकि महोत्सव को सफल बनाएं। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। आज वो दिनेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज भी एक महोत्सव बना करके अपने आप को आगे कड़ी में आने के लिए प्रयास किया है। मैं बधाई देता हूँ वाल्मीकि समाज को और मैं हर तरीके की मदद करने की बात उन्होंने कही है। वाल्मीकि महोत्सव में आए हैं क्या? नमस्कार, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं प्रिंस बोध वाल्मीकि रोहतक हरियाणा से आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मीडिया का थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है, मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूं। और वाल्मीकि महोत्सव एक बिगेस्ट महोत्सव आज इंडिया लेवल पे मैं जो मुझे आज देखने को मिला है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं तहे दिल से वाल्मीकि सेवा समिति का तहे दिल से थैंक्स करता हूं, लखनऊ टीम का, जिन्होंने मुझे मंच संचालन के तौर पर मुझे यहां पर याद किया और अपने समाज में मुझे आने का मौका दिया। और लखनऊ सेवा समिति का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इंटरनेशनल वाल्मीकि महोत्सव लखनऊ के बाद पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और पूरे भारत में वाल्मीकि महोत्सव की जागरूकता फैल जानी चाहिए। और इस चीज का प्रयास मैं अपने हरियाणा में जाते ही करूंगा और वाल्मीकि महोत्सव का आगाज अपने हरियाणा में भी मैं करूंगा अपने सभी हरियाणा के साथियों के साथ और सभी प्रचलित सेलिब्रिटीज के साथ मैं जरूर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हरियाणा। हरियाणा से आए हैं वाल्मीकि के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ बता रहे हैं कैसे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैंने होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज का जो प्रचलन है वो बहुत कम है, और अगर मैं बात करूं समाज के आज पर्सन की, प्रतिनिधियों की, हमारे सभी हमारे समाज के लोगों की, तो आज वो वाल्मीकि महोत्सव के जरिए नई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रही है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो वाल्मीकि महोत्सव लखनऊ की टीम ने, लखनऊ वालों ने जो दिया है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बड़ा ही काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ मैं करता हूं। और भविष्य में आशा करता हूं कि वाल्मीकि महोत्सव लखनऊ ने जो आज ऐतिहासिक वाल्मीकि महोत्सव जो बनाया है और आगाज दिया है, ये पूरे भारतवर्ष में इसका जागरूकता होनी चाहिए और ये फैल जाना चाहिए
और पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय देश प्रतिदिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।